विजय दिवस एवं रेजांगला दिवस समारोह समिति ने आज विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर रेजांगला पार्क रेवाड़ी में शौर्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर रेजांगला पार्क स्थित स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। समिति की ओर से शहीदों की वीरांगनाओं को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। रणबांकुरों योद्धाओं और जीवन में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि मेजर जनरल वाई के यादव रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव ने की। साहब, जो आज विजय दिवस है उसकी 50वीं वर्षगांठ है और मैं समझता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके गाइडेंस में और जनरल मानेक शॉ के नेतृत्व में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे और इसमें करीबन 3,900 हमारे जवानों ने शहादत दी थी और करीबन 9,512 लोग इसमें घायल हुए थे और ये मात्र 13 दिन के अंदर जो है ये युद्ध ख़त्म किया गया। पहले 3 दिसंबर को जो है पाकिस्तान के लोगों ने अमृतसर, हमारे जालंधर और जो जम्मू और कई हमारे जो स्टेशन थे वहाँ पर बमबारी की। उसके बाद 4 दिसंबर से हमारे जो सैनिक हैं वो इसमें ईस्ट पाकिस्तान में घुसकर और उन्होंने जो वाहिनी थी इनकी, जो बांग्लादेश वाहिनी थी उनके साथ मिलकर और 93,000 जो हमारे उनके पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उनका आत्मसमर्पण करवाया और ये इतिहास के अंदर जो है ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान के इंदिरा गांधी जी के समय में 2 हिस्से हो गए थे। और मैं समझता हूँ कि 1962 के अंदर भी जो ये स्मारक बना हुआ है इसमें 114 जवान हमारे शहीद हुए थे, उसमें से मेजर शैतान सिंह जी के नेतृत्व में हमारी चार्ली कंपनी। तो मेरी सरकार से मांग है कि अहिर रेजिमेंट, गुजर रेजिमेंट, अन्य जो हमारे जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो लड़ने वाली कौमें हैं, उनकी भी जो है अरेंजमेंट बननी चाहिए। आप देख रहे हैं क्या हालत है। अब मैं क्या दिखाऊं, आप अंदर जाके देख लीजिए ना, सफ़ेदी है, जर्जर हालत हो रही है। अगर हमारे वीर जवानों के साथ जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है अगर उनकी भी अगर ये देखभाल नहीं कर सकते हैं तो ये चीन, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के नाम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जो लोग रोज़ आतंकवादियों से लड़ते हुए शहादत देते हैं उसके बाद जितने भी शहीद हुए हैं ना तो उनकी यहाँ फ़ोटो लगी हुई है, जो हमने फ़ोटोग्राफ लगाई थी वही फ़ोटोग्राफ लगी हुई हैं, एक भी नया मेमेंटो ये लगा नहीं पाए। जैसी दुर्दशा इस वक्त है उससे मैं बहुत, मुझे शर्म आ रही है और प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पार्क में भी देखा जा रहा है कि फुहारे तक उखाड़ लिए गए हैं, यहाँ घास तक नहीं है, इसके अंदर शहीदों के नाम पर एक पार्क है। आप देख लीजिए ना, यहाँ पर टैंक आना था, एरोप्लेन आना था, वो सब जो है ठंडे बस्ते में चले गए हैं। सारी हमने मंजूरी करवा दी थी, टैंक भी आना था, एरोप्लेन भी आना था, लेकिन सरकार के पास समय नहीं इन बातों के लिए। उनके पास तो केवल जो है सांप्रदायिक भड़काने की बात है। अभी जैसे हमारे ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है सेंटर में 8,000 है, यहाँ पर 6,000 कर दिया। यानी कि नेगेटिव अप्रोच, चाहे वो किसानों के प्रति हो, चाहे वो बेरोजगारों के प्रति हो, चाहे किसी के प्रति हो, इनकी नेगेटिव सोच है। ये जो बावल पे रैली हुई थी उस समय राव इंद्रजीत ने भी ये कहा था कि राज्य सरकार भी केंद्र के सरकार के बराबर ओबीसी का कोटा कर दी। नहीं, कहाँ किया, तो राव इंद्रजीत सिंह को आगे आना चाहिए, बोलते क्यों नहीं है, उनको बोलना चाहिए। जब 8 लाख वहाँ पर है प्रति एनम तो यहाँ 6 लाख क्यों किया है, ये तो सरासर भेदभाव है। और 6 लाख में चपरासी का बच्चा भी जो है वो रिजर्वेशन नहीं ले पाएगा। 50,000 तो जो से ऊपर जिसकी अगर 1,000 भी होगी वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि अब गरीब किसान को चक्कर काटने पड़ेंगे कि साहब हमारा जो है फिर वहाँ पर जो है करप्शन होगी।